और अब बारी है फिल्मी खबरनामा की। सुनने में आया है कि रॉक स्टार फेम अभिनेत्री नरगिस फकरी ने मद्रास कैफे में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जिस तरह का काम किया है, इस तरह का काम किसी कैफे में ही किया जाता है, क्योंकि इतनी अंग्रेजी तो हमने कैफे में ही सुना है। एक खबर से पता चला है कि अभिनेता प्रतीक बब्बर, मीता पाटिल जी के बेटे, अरे राज बब्बर साहब के इशक वाले आरक्षण, मतलब याद आए तो कर लीजिएगा, खबर सुना देता हूं। प्रतीक बब्बर अपना टैटू बदलवा रहे हैं। इस पे पटना के ललन तिवारी का कहना है, ए बाबू, कभी हेयर स्टाइल बदलवा रहे हो, कभी कपड़ा बदलवा रहे हो, कभी टैटू बदलवा रहे हो, एक बार फील्ड बदल के देखो, डेफिनेटली काम करेगा। एवार का जॉब, पीसी का, समूह ग का, कुछ भी ट्राई कर लो बेटा, ये रिसक इसक तुम्हारा नहीं चलेगा। कुछ दिनों पहले पता चला कि शाहरुख खान और सलमान खान के रिश्ते फिर से जुड़ गए हैं। मैं कह रहा था इन दोनों का रिश्ता कोई बाबा ही जोड़ सकता है, और इस बात को विधायक बाबा ने सिद्ध की। भाई सुगंधा मिश्रा जी ने बेगूसराय से फरमाइश किया है कि हम उनके लिए एक स्पेशल गाना सुनाएं। सुगंधा जी, आपके लिए ये गाना। एक खबर से पता चला है कि एक्टर इमरान खान अपनी कार खुद ही धोते हैं। अपनी कार? कहीं वो उत्तरी मामू जान की कार तो नहीं है, क्योंकि इतना बेकार कलाकार के पास कार कैसे। और सुन यार, इस तरह की खबरें मत लिखा करो, नहीं तो कल को खुद का खुद ही धोगे साइकिल, कार तो होगी नहीं तुम्हारे पास। एक्ट्रेस नेहा धूपिया का कहना है कि शादी करना जंग पे जाने के बराबर है। नेहा जी, और सही समय पे शादी नहीं करना जंग लगने के बराबर है। दिमाग में ठीक हो जाता है आदमी, तुम पिट जाओगे, हंस दे रहे हो, लोग गलत समझ जाते हैं। बदनामी का पर्याय अश्लीलता की देवी, आक्रामकता की परिसीमा पार करने वाली अभिनेत्री उर्फ पूनम पांडे जी का कहना है कि मैं कम कपड़े पहन के लोगों की मदद करती हूँ। इस पे एक समाज सेवक चचा का कहना है, तुम कम कपड़े पहन के जो मदद करती हो वो मत करो, पूरे कपड़े पहन के हम पे एहसान कर दो। भैया बॉलीवुड मतलब गॉसिप, तरह तरह की चर्चा परिचर्चा, और वो सुन के हमको बहुत मजा आता है, और उसमें नहीं लगता है कोई खर्चा, तो बिना खर्चा किए उस चर्चा का हिस्सा बनते हैं और चलते हैं फिल्मी नगरिया और देखते हैं क्या खबर है।